छात्रों, आज हम परमाणु और अणु का भाग दो पढ़ेंगे, अध्याय 3 नौवीं कक्षा में। अभी आपने पढ़ा था परमाणु और अणु के बारे में कि परमाणु सबसे छोटा कण है। डाल्टन ने अपना सिद्धांत क्या किया, प्रस्तुत किया, और ये परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, अणु। अब हम रासायनिक संयोजन के दो नियम है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक यौगिक या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, यह करता है करके ही नया पदार्थ बनाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो हम निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको विनाश, मतलब हमारा हमको भी नए पदार्थ को नहीं बना सकते हैं, मतलब पदार्थ पहले से द्रव्यमान कोई भी नया, ना तो हम उसका विनाश कर सकते हैं, रूप बदल जाता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, कि कोई भी यौगिक में जो तत्व रहते हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित रहते हैं, यानी कि उनका अनुपात क्या रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। यह है रासायनिक संयोजन के दो नियम। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पहले यौगिक के बारे में पढ़ा था, आपने परमाणु के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। तो जो परमाणु होता है, तो आवेशित परमाणु को हम क्या बोलेंगे, आयन। पहले आपको परमाणु बार बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए सोडियम, सोडियम अकेला लिखा है तो ये एक क्या है, परमाणु है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, तो ये सोडियम के ऊपर एक धन आवेश आ गया, तो ये क्या है, धनायन। क्या है, धनायन। तो जो आयन होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन। एक धनायन भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, ऋण आयन। धनायन कैसे बनते हैं और ऋणायन कैसे बनते हैं, जब कोई तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये देखिए धनायन, और एक हो सकता है Cl ऋण आयन। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला सोडियम के ऊपर एक धन आवेश आ गया। अब आप देखिए मैग्नीशियम के ऊपर दो धनायन है, इसका मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉनों को अपने में से त्याग दिया, निकाल दिया। तो आवेशित परमाणु को, आवेशित मतलब या तो इसके ऊपर धनायन आना चाहिए या ऋण आयन आना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बहु, यदि अकेला परमाणु रहता है तो उसको हम आयन कहते हैं, और यदि परमाणुओं का समूह रहता है जिस पर की एक आवेश नेट आवेश रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपरमाणिक आयन। जैसे देखिए आप उदाहरण सल्फेट आयन SO4 इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। इसके ऊपर ये देखिए परमाणु, एक परमाणु है सल्फर और ऑक्सीजन, ये परमाणु का क्या बन गया, समूह, और इन पर ऐसा दो आवेश इनको इकट्ठा लिखेंगे। और जैसे देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, इसके ऊपर एक रहता है तो एक को हम लिखते हैं आयन होता है, ये ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, बहुपरमाणिक आयन। और भी है ऐसे, जैसे आप देख सकते हो फास्फेट आयन CO4।
रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। वहां में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर निश्चित अनुपात में अणु बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो यौगिकों के कुल भी यौगिक हैं, उनकी क्या रहेंगे अणु सूत्र रहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पानी H2O क्या है, जल या पानी। तो जल का ये एक अणु है, क्या है एक अणु है, उसका सूत्र है H2O। तो हम ये देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे आप देखोगे दूसरा उदाहरण है लिखते हैं NaCl। ये भी दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय हम क्या करेंगे, जो यौगिक है इसका एक भाग होता है धातु और एक भाग होता है आप धातु। क्या होता है आप धातु। तो सबसे पहले हम धातु वाले भाग को लेंगे। देखिए तो पहले आप एक और उदाहरण देख सकते हो, मैग्नीशियम धातु है तो Mg, और इनकी जो संयोजकताएं हैं उनको आपस में बदल देते हैं। इसे हमने पहले पढ़ा चुके हैं कि जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है दो और क्लोरीन की कितनी है एक। तो सूत्र में हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम के नीचे ये देखते हैं संयोजकता को हम क्रॉस कर देते हैं, Mg के नीचे एक लिखेंगे और Cl के नीचे क्या लिखेंगे टू। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है। और यदि बहुपरमाणविक आयन है तो क्या करेंगे, आयन को लिखकर कोष्ठक बंद कर देंगे और कोष्ठक मतलब लगा देंगे और उसके बाद हम आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखेंगे। आप इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे हमें लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की संख्या OH बहुपरमाणविक आयन है, इसकी संयोजकता एक। इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम एक धातु वाला भाग लिखेंगे Mg और जो आयन है बहुपरमाणविक आयन है तो ये OH लिखकर इस प्रकार कोष्ठक लगा देंगे। अब Mg के नीचे इसकी संयोजकता लिखेंगे, एक है तो एक को हम लोग लिखते नहीं है और Mg के नीचे कितने लिखी है दो, ये OH, तो ये ऐसा लिखेंगे MgOH। आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे कॉपर सल्फेट है या फिर सोडियम कार्बोनेट, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें बहुपरमाणविक आयन का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों की दो दो है तो वो
नहीं लिखेंगे, C-A-C-O-3, इसकी भी दो है, इसकी भी दो है, तो इसको हम बराबर बैलेंस हो गया, इस प्रकार है ना। तो हम सूत्र लिखते समय बहु परमाणु कायम के समय क्या करते हैं, कोष्ठक बंद करके लिखते हैं। अब है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जो कोई भी पदार्थ का जो अणु सूत्र है उसमें जितने भी घटक होंगे और जितने भी उसमें परमाणुओं ने बांध लिया है उनके द्रव्यमान होता है, क्या बोलते हैं। तो आपको कुछ सरल परमाणु के द्रव्यमानों का योग हम बता रहे हैं। जैसे उदाहरण लीजिए आप पानी, पानी का सूत्र है H2O, ये इसका एक अणु है, क्या है ये एक अणु। तो अब इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, इसके सूत्र में हम देखते हैं इसके हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। जो आणविक द्रव्यमान को यूनिट से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान है एक यूनिट, और ऑक्सीजन का एक है वो है 16, कितना है 16 यूनिट। ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 यूनिट, हाइड्रोजन के एक परमाणु का एक यूनिट। तो अब हम कैसे करेंगे, सूत्र क्या है H2O, तो H एक है H का एक, और ये है ऑक्सीजन का एक, ये ऑक्सीजन का है और ये क्या है H का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है एक, ये तो दो का कितना होगा दो, इस प्रकार हम लिख सकते हैं एक अवधा एक 16, इस प्रकार इसका कितना हो जाएगा 18। तो पानी का एक आणविक द्रव्यमान कितना होगा 18 यूनिट। तो इसके जितने भी घटक हैं, जैसे आप दूसरा सूत्र लीजिए CO2, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के दो हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, इस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है अणु किसे कहते हैं, और आपको इनके सूत्र संकेत आप पढ़ चुके हो, पहले आप संकेत याद करेंगे सोडियम का Na, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि इनके सूत्र उनकी संयोजकता को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। आपका होमवर्क है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में